नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड मोबाइल ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पहले भी मेरे कुछ ट्यूटोरियल हैं जिसमें बताया गया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे अपडेट किया हूँ। इसमें कुछ न्यू फीचर्स हैं। इसमें मैं क्या नया करने जा रहा हूँ, इसमें आपको कंपेरिजन कराऊँगा। कंपेरिजन कराने मतलब कि पीसी ऐप में और इसमें। तो अभी मैं थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, और जितनी चीज़ें आएंगी उतनी चीज़ें से ये बताऊँगा कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। अब देखिए, हमारे पास ये विंडो खुला है ना। अगर हम इस पर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करें तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, सोशल नेटवर्क, ये चीज़ें। इससे जो है, अगर हम बात करें पीसी से, तो इसमें कुछ ज़्यादा सिमिलर नहीं है किसमें जो हम अभी क्लिक किए थे, बट यहाँ से शुरू हो जाता है। नया पेज लेना है तो पीसी में क्या करते थे कि स्टार्ट ड्राइंग करते थे, बट इसमें अगर नया पेज लेना है तो क्या करेंगे, ये जो है यानी कि जो प्लस सिंबल है उस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। तो चूंकि मैं पहले से भी बहुत से पेज बना कर रखा हूँ, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, किसी पर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, पेज पर जैसे क्लिक हुआ, अभी कुछ देर में ओपन हो गया, ये हमारा नया पेज है। अब अगर हम बात करें कुछ टूल्स की, तो जो ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जो पीछे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे लाइनिंग बने हुए हैं, फिर इसमें ऐसे ऐसे बने हुए हैं, है ना। अब इसको क्या बोलते थे, उसमें भी ग्रिड बोलते थे और इसमें भी ग्रिड बोलेंगे। अब ग्रिड क्या काम करेगा, तो ये रेफरेंस का काम करेगा। और अगर हम बात करें कि ग्रिड का शॉर्टकट क्या होता था, तो ग्रिड का शॉर्टकट होता था F7, किसमें, पीसी में। लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि इसे तो कीबोर्ड कनेक्ट ही नहीं है। तो जब इसमें कीबोर्ड कनेक्ट नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। तो अगर इसमें आप ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन है, ये जो खिड़की की तरह बना हुआ है ना, ये है ग्रिड का। ग्रिड को ऑन भी कर देगा और ऑफ भी कर देगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हम इस पर क्लिक किए और ये क्या हुआ, ऑफ हो गया। पुनः क्लिक किए तो ऑन हो गया। तो ये जो ड्राइंग एरिया में ग्रिड है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए टूल मालूम हो गए, ग्रिड ऑन और ऑफ। ये भी पता होगा कि कीबोर्ड में क्या करते थे, यानी कि पीसी में क्या करते थे, F7 दबाते थे। दूसरा तरीका यह भी था कि आप डीएस एंटर करके, यानी इंटरप्टिंग सेटिंग एंटर करके और ग्रिड में जाके ऑन कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम देखें तो एक ऑप्शन है, चलिए तो हमारा यह था ट्यूटोरियल 2। आ गया। तो देखिए अब आगे हम बढ़े हैं, तो आगे देखिए कौन सा ऑप्शन है, आगे हमारे पास यह ऑप्शन है। अब यह क्या करता है कि क्लीन स्क्रीन करता है। क्लीन स्क्रीन मतलब कि इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये जो हमारे ड्राइंग एरिया वो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी मतलब कि जितना हमारा मोबाइल है, जो मोबाइल की स्क्रीन है, उतना ही बड़ा। अब उससे मोबाइल की स्क्रीन से बड़ी तो नहीं हो जाएगी। अब यही चीज़ अगर हम बात करें किसमें, पीसी में, तो उसमें दबाते थे CTRL+O। ओ मतलब 0, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं ओ, लेकिन ये क्या होता है, 0 होता है, तो इसको आप 0 मानेंगे, है ना, Ctrl+0। और यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक की, अगर Ctrl+O जान गए तो क्या होगा, Ctrl+O से न्यू फाइल ओपन होती है ना। तो दोनों में अंतर, Ctrl+0 जैसे दबाएंगे तो पीसी में क्या होता है कि पूरी क्लीन स्क्रीन हो जाती है। इसमें क्या करेंगे कि जैसे आप इस पर दबाएंगे वैसे देखिए स्क्रीन बड़ी हो गई, अब आपको इजीली दिखाई दे रही होगी कि इसमें हो गई। अब चलिए इसी पर क्लिक करेंगे तो उसी से बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक सिंबल है जो है कस्टमाइजेशन का, ठीक है। अब यहां पर है ना,
अगर यही चीज हम बात करें कि ऑटोकैड में कहाँ होता है, अब चूंकि पूरी चीजें सिमिलर नहीं है, लेकिन ऑटोकैड में कोने में, सबसे कोने में, अगर ये ऑटोकैड का विंडो है पीसी में, तो इधर कोने में ऐसी ही तीन लाइनें बनी होती हैं, है ना, एक दो तीन। वो कस्टमाइजेशन का होता है, उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसे 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 जो है क्या होगा कि लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसमें भी लगभग वैसा ही है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ गए, लेयर आ गया, लेयर का शॉर्टकट जो होता है पीसी में LA प्लस एंटर होता है, यहाँ पर ऐसा कोई शॉर्टकट यूज करते नहीं है, यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, न्यू लेयर पर क्लिक करके नया लेयर ले लेना होगा। वैसे ही अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2D है, वायर फ्रेम है, 3D सॉलिड है। अब अगर आप 2D में वर्क कर रहे हैं तो 2D पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है 3D वायर फ्रेम में देखना है तो 3D वायर फ्रेम में कर लीजिए। वायर फ्रेम में क्या होता है कि आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा लेकिन वायर के रूप में, 3D सॉलिड में क्या होगा, मटेरियल सहित दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करें एक्सिस पे, तो जब हम पीसी में यूज करते थे इसी को पीसी में, तो 2D वायर फ्रेम यानी सॉरी 2D में क्या होता था कि एक्स और वाई दो एक्सिस होती थी, 3D में क्या होता था, तीन एक्सिस होता था। अब बात आ रही है वायर फ्रेम और 3D, तो दोनों में ही तीन एक्सिस होंगे, फर्क क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो वायर के रूप में रहेगा, किसमें, 3D वायर फ्रेम में, और जो ऑब्जेक्ट सॉलिड में यानी कि मटेरियल में दिखेगा वो रहेगा 3D सॉलिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब यहां पे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज तो आपको भी पता होगा कि प्रॉपर्टीज यूज कैसे करते थे, किसमें, पीसी में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज बता पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बता पाएंगे। यानी कि जब हम सेलेक्ट किए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू व्यू इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अब क्या हो गया कि प्रॉपर्टीज जो है आ गया, इसकी लेंथ कितनी है, एंगल कितना है, कलर कौन सा है, ठीक है। तो बाय लेयर जो जीरो लेयर पर फिट होता है, जीरो लेयर पर क्या होता है, वाइट कलर ही होता है। ऑटोकैड में जब आप वर्क करते हैं तो जब वो जीरो लेयर में होता है तो हमेशा वाइट कलर ही आता है, चाहे आप कुछ भी बनाएं, बाद में आप चेंज कर ले वो अलग बात है, तो अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो चलिए, आप प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। यही काम पीसी में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप PR एंटर कर लेते थे तो क्या होता था, प्रॉपर्टीज की आ जाती थी। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है ब्लॉक्स। अब चूंकि अगर हम बात करें तो डायरेक्ट ब्लॉक B+ एंटर उसमें होता था, लेकिन B+ एंटर में इस तरह से लिस्ट तो खुल के आता नहीं था, आप ब्लॉक बनाते थे। एग्जैक्टली इसमें जो ये चीज बना करके दिया गया है वो ब्लॉक बना करके दिया गया है, और क्या कि ये जो व्यू हो रहा है ठीक उस तरीके से हो रहा है जैसा कि टूल पैलेट में होता था TP+ एंटर। तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग चीजें जो है आ जाती थी, सिमिलर से क्या करना था कि हमको उठा के और इधर रखना था, ये किस में करते थे, टूल पैलेट में करते थे, और ये हम ऐसा कर रहे हैं। तो पहले से बना करके कुछ ब्लॉक रखे गए हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, वहां पर ड्रैग करके और रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, आगे बढ़ते हैं तो इस गियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम सेटिंग है। अब आ गया ऑब्जेक्ट स्नैप। अब ऑब्जेक्ट स्नैप क्या यूज करते थे भाई, ये इसका क्या यूज होता था, तो ऑब्जेक्ट स्नैप इसलिए यूज करते थे कि अगर हमने कुछ बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हमने पॉलीलाइन ही बनाई है,
है ना, और भी ऊपर तक चले जाते हैं, चलिए यहां से बाहर आते हैं। तो पॉलीलाइन हमने बनाया है ना, पॉलीलाइन बना ली। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यानी कि अगर हम सेलेक्ट करने की कोशिश करें, पॉलीलाइन अभी एक्टिव है, लाइन एक्टिव है तो हटा देते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, लाइन को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ पॉलीलाइन को रहने देते हैं। पॉलीलाइन को जैसे हमने सेलेक्ट किया, वैसे कुछ स्नैप पॉइंट इस पर बन के आ जाते हैं। तो स्नैप पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास लाइन है, है ना, तो लाइन है तो क्या, अगर कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ से गए, ड्रॉ पे गए, लाइन को सेलेक्ट किया, अब लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये ग्रीन पॉइंट शो कर रहा है। ये ग्रीन पॉइंट किस चीज़ का है, एंड पॉइंट का है। उसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक और ग्रीन पॉइंट, लेकिन दूसरे तरह का ट्रायंगुलर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट है ना। उसी प्रकार से इधर जो है देख रहे हैं तो ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट स्नैप करता क्या है कि स्नैप पॉइंट्स को शो करता है। स्नैप पॉइंट्स, आप स्नैप पॉइंट मतलब, स्नैप पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, अब वो चीज़ कहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप मोड, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट, सेंटर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। और यही काम पीसी में कैसे करते थे, तो पीसी में कब करते थे, जब डी एस एंटर कर लेते थे तो उसमें क्या होता था कि ऑब्जेक्ट स्नैप आता था, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग उसी पॉइंट को ट्रैक करने के लिए, अब देखिए जो हम बता रहे थे इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट एसेट्रा एसेट्रा, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या करेगा कि उसको ट्रैक करेगा, उसके रेफरेंस में बनाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ ले लिया, कोई लाइन ले लिए, अब कोशिश करते हैं कि इसको बनाएं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है क्या करता है कि ट्रैकिंग लाइन देता है। ट्रैकिंग लाइन मतलब, इसको हम हटाते हैं, आप क्लियरली दिखाई देगा, सेलेक्ट लाइन, आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रैकिंग लाइन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिंग लाइन होती है जिससे आप ट्रैक करते हैं, हमें पता चल रहा है कि सीधी चल रही है ना। तो ये होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए, यानी कि जब उसको ऑन करेंगे तो ट्रैकिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बाहर चलते हैं, इस पर क्लिक किए। बहुत से लोगों ने पूछा था कि ऑटो कैड में यूनिट कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ड्राइंग यूनिट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, यानी कि लगभग सब चीज़ें दिए हुए हैं। हम यहाँ से मिलीमीटर क्लिक कर लें और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा यूनिट चेंज हो गया, तो तुरंत जाइए किस पे, ड्रॉ पे जाइए, लाइन को लीजिए, ड्रॉ कीजिए। अब किस में देख रहे हैं, देख रहे हैं कि किस में बन रहा है, एमएम में बन रहा है। मान लिया हमने 200 एमएम दे दिया, ओके ओके कर लिए। तो आज का सेशन बेसिकली कंपैरिजन में था, सीखे कुछ नहीं लेकिन कंपैरिजन तो जाने। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोशिश करूंगा कि इसमें के सारे टूल बताएं। पीसी और इसमें तो अंतर है, ये जनरल कामों के लिए ठीक है। पीसी में आप किसी भी टाइप का काम कर सकते हैं। अब चलिए अभी जो है तो इसको कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे उसको बता देते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, मूव, स्केल, रोटेट, मिरर, ऑफसेट। अभी जो नाम आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो इसको एक नाम देते थे, क्या नाम देते थे, मॉडिफाइड टूल बार, याद आ गया। मॉडिफाइड टूल बार में ही ये मिरर, ऑफसेट, स्केल, मूव एसेट्रा एसेट्रा होते थे। तो जैसे आप ड्रॉ टूल बार और मॉडिफाई में क्या अंतर बताया गया था, या आप जानते होंगे कि ड्रा हमेशा कुछ बनाने का काम करता है, वहीं मॉडिफाई कुछ मॉडिफाई करने या एडिटिंग करने का काम करता है। तो जब तक कुछ बनाए नहीं होंगे
तब तक तो कुछ एडिटिंग हो नहीं सकता। इसलिए जब आप कुछ बना लेते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तब मॉडिफाइड टूल बार आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें मालूम चली होंगी। ऐसे ही ट्यूटोरियल देते रहेंगे। घर में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।